मोदी सरकार में जल, थल और नभ सेनाओं की ताकत को बढ़ाया जा रहा है। चीन और पाक जैसे दुश्मनों से घिरी सीमा से लेकर समंदर तक दुश्मनों को उसकी नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए हर तरफ से सेनाओं को भारत मजबूत कर रहा है। पिछले 4 सालों में भारत दुनिया में आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनकर उभरा है, तो वहीं पिछले 4 साल में मोदी के नेतृत्व में भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा भी काफी मजबूत हुई है। सीमा पर अब दुश्मनों की नापाक हरकतों का जवाब भारत माकूल तौर से दे रहा है। हाल ही में भारत ने डोकलाम विवाद में चीन की दादागिरी का मुंहतोड़ जवाब दिया, तो वहीं समंदर में भी चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए मोदी सरकार नौसेना की ताकत को और बढ़ा रही है। मोदी सरकार नौसेना में 56 नए जंगी जहाजों और 6 पनडुब्बियों को शामिल करने की योजना को मंजूरी दे चुकी है। ये निर्माणाधीन 32 जंगी जहाजों के अलावा होंगे देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक हो विक्रांत अपने निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच गया है और इसका समुद्री परीक्षण 2020 में होगा। 2050 तक हमारे पास भी 200 जहाज, 500 विमान और एक विश्व स्तरीय नौसेना होगी। इसके अलावा INS बेतवा सुधरी हुई क्षमताओं के साथ साथ 2019 की तीसरी तिमाही में नौसेना के बेड़े में फिर शामिल हो सकता है। पश्चिमी नौसैन्य कमान के प्रमुख जंगी जहाजों में से 3,850 टन के भार वाले और 126 मीटर लंबे इस युद्ध पोत में यूरेन जहाज विरोधी मिसाइल बराक वन, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और जल की सतह से ऊपर या नीचे दागे जाने वाले प्रक्षेपास्त्रों से लैस। वहीं मालदीव में अब भारत के प्रति बेहतर रवैया रखने वाली सरकार बन चुकी है और दोनों देशों में समुद्री सहयोग बढ़ रहा है। इससे समंदर में चीन पर नकेल कसने में भारत को मदद मिलेगी।